साथियों, इसके पहले हमने भारतीय संविधान में अनुच्छेद पढ़ा दिए हैं और आप जाके चैनल पर देख लेंगे। उसी क्रम में भारतीय संविधान के अनुच्छेद में 101 यानी 100 तक मैंने अगली वीडियो में पढ़ा दिया था। अब 101 के बारे में चर्चा करेंगे, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो 101 क्या है? स्थानों का रिक्त होना, 102 सदस्यता के निहर्ताएँ, नंबर 103 सदस्यों की निहर्ताओं से संबंधित प्रश्नों पर विश्चय, नंबर 104 अनुच्छेदों 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले निर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शक्ति, 105 संसद के दोनों सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों विशेषाधिकार आदि, 106 सदस्यों के वेतन और भत्ते, 107 विधेयकों के पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपलब्ध 108 कुछ दशा में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 108 में होती है, 109 धन विधेयकों के संबंध में, 111 विधेयकों पर अनुमति, 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, 113 संसद में प्राकलनों के संबंध में प्रक्रिया, 114 विनियोग विधेयक, 115 अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान, 116 लेखानुदान प्रत्यानुदान और अपवादानुदान, 117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध, 118 प्रक्रिया के नियम, 119 संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन, 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, 121 संसद में चर्चा पर निर्बंधन, 121 संसद में चर्चा पर निर्बंधन, 122 न्यायालयों और संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना, 123 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति, और 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, 125 न्यायाधीशों के वेतन आदि, 126 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, 128 उच्चतम न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति, 129 उच्चतम न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होना, 130 उच्चतम न्यायालय की का स्थान, 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता, 132 कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता, 139 उच्च न्यायालय में सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्च न्यायालय की अपीली अधिकारिता, 134 का उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र, 135 विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना, 136 अपील के लिए उच्चतम न्यायालय में की विशेष इजाजत, 137 निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्वलोकन, अब आगे देखिए, 138 उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि, 139 कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रबद्ध किया जाना, 139 का कुछ मामलों का अंतरण, 140 उच्चतम न्यायालय की आनुषांगिक शक्तियां, 141 उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होना, 142 उच्चतम न्यायालय में डिक्रियों और आदेशों का परिवर्तन और स्पष्टीकरण आदि के बारे में आदेश, 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, 144 सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय, 144 का निरसन, 145 न्यायालय के नियम आदि, 146 उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय निर्वाचन
149 नियंत्रण महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ, 150 संघ के राज्यों के लेखाओं का प्रारूप, 151 परीक्षा प्रतिवेदन संपरीक्षा प्रतिवेदन, 152 परिभाषा, 153 राज्यों के राज्यपाल संबंधित राज्यपाल राज्यपाल संबंधित है, 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति, 155 राज्यपाल की नियुक्ति। और 156 राज्य की पदावधि, 157 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, 160 कुछ आकस्मिक में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वाहन, 161 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति, 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, 164 मंत्रियों के बारे में अनुबंध, 165 राज्य का महाधिवक्ता, 166 राज्य की सरकार के कार्य का संचालन, 167 राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री कर्तव्य, 168 राज्यों के विधान मंडलों का गठन, विधानमंडल गठन 168 है, और 169 राज्यों के में विधान परिषदों का उत्सदन या सृजन, 170 विधानसभाओं की संरचना, 171 विधान परिषदों की संरचना, 172 राज्यों के विधानमंडलों की अवधि, 173 राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता, 174 राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन, 175 सदन और सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार, 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, 177 सदनों के बारे में मंत्री और महाधिवक्ता के अधिकार, 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, 179 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, त्याग पद त्याग और पद से हटाया जाना, 180 अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति, 181 जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई विकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना, 182 विधान परिषद का सभापति और उपसभापति, और 183 सभापति या उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना, 184 सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति, 185 जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना, 186 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन भत्ते, 187 राज्य के विधानमंडल का सचिवालय, 188 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, 179 सदनों में मतदान व्यक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्यवाहिक शक्ति और गणपूर्ति, 190 स्थानों का रिक्त होना, 191 सदस्यों के लिए निहर्ताएं, 192 सदस्यों द्वारा निहर्ताएं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय, 193 अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने पहले या अर्हित न होते हुए भी निहर्हित किए जाने और बैठने और मत देने के लिए शक्ति, 194 विधानमंडल सदनों तथा सदस्यों की समितियों शक्ति विशेष अधिकार आदि, 195 सदस्यों के वेतन और भत्ते, वेतन भत्ते क्या हैं, पेंशन संबंधी और तनख्वाह संबंधी यही सब हैं, 196 विधेयकों को पूरा स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध, 197 धन विधेयकों से में भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियां पर निर्भरधन, 198 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया, 199 धन विधेयक
की परिभाषा, दोषम क्या है, विधेयकों पर अनुमति। तो साथियों यहाँ तक वीडियो रखते हैं, उसके बाद हम एंड करते हैं। अब अगला वीडियो हम जल्द ही प्रोवाइड करेंगे।